नमस्कार, आइए हाथरस पे बात करते हैं। जो बोलगढ़ी गांव है वो मेरे घर से तकरीबन 6-6.5 किलोमीटर दूर है। वहां का एक जो प्रोपेगंडा फैलाया गया, कैसे फैलाया जाता है मैं आपको बताता हूं। लड़की की मां का बयान आता है, कंप्लेन जाती है कि मेरी लड़की का गला घोटा गया है। पत्रकार उससे पूछते हैं बार बार कि क्या और क्या हुआ है, कि नहीं जी रंजिशन गला घोटा गया है। फिर लड़की से पूछा जाता है कि आपके साथ क्या हुआ है। लड़की का बयान आता है कि जी मेरा गला घोट दिया गया है, जी मेरा गला घोट दिया गया है। पेपर में खबर निकलती है कि आपसी रंजिश में लड़की का गला घोटा गया। फिर वहां पे लड़की की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होती है, उसको अलीगढ़ ले जाया जाता है। अलीगढ़ में फिर से बयान होते हैं, मीडिया का फिर से बयान होता है कि आपके साथ क्या हुआ था। लड़की फिर बताती है कि मुझे मारा गया था, मेरा गला दबाया गया था, मेरा गला दबाया गया था, मेरा गला दबाया गया था। फिर उसका आगे और दबाव बनाया जाता है, दलित की बेटी के नाम पर मीडिया में खबरें उछाल दी जाती हैं। SC ST एक्ट के तहत लड़की के परिवार को 4.5 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। फिर लड़की के परिवार को बताया जाता है कि अगर आपने रेप का मुकदमा और दर्ज करा दिया तो आपको इतने रुपए और दे दिए जाएंगे, मिल जाएंगे। लड़की अगले दिन फिर बयान किए जाते हैं, दबाव बनाया जाता है कि बयान करवाइए जी, लड़की तो रेप कह रही है। फिर पुलिस जाती है, फिर बयान लेती है, फिर लड़की बोल देती है, कैमरा मुंह में ठूस ठूस के पूछा जाता है, रेप हुआ था ना, रेप हुआ था ना, रेप हुआ था ना, हाँ जी हुआ था, हुआ था। मेडिकल जांच आती है, रेप की पुष्टि नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रेप की पुष्टि नहीं होती। फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, रेप की पुष्टि नहीं होती। तो आज के बाद, लेकिन सारे पत्रकार चीख रहे हैं हाथरस पे कि रेप हुआ है, रेप हुआ है, रेप हुआ है, तो क्या आज के बाद हिंदुस्तान में हर वो लड़की जो बोलेगी मेरे साथ रेप हुआ है, क्या हर उस लड़की के साथ ये पत्रकार इसी तरह खड़े होंगे? मेडिकल रिपोर्ट को दरकिनार करेंगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट को दरकिनार करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दरकिनार करेंगे? मेरा एक सवाल है कि अगर लड़की की जो जो जान थी वो रात में चली गई थी, सुबह पोस्टमार्टम हो गया था, 9 बजे बॉडी दे दी गई थी, तो बॉडी आखिरकार रात 10 बजे तक दिल्ली में क्या कर रही थी? एक पोस्टमार्टम की हुई बॉडी जो लगातार सड़ने की हालत में थी, उसे रात 10 बजे तक परिवार वहां पर क्यों रखे हुए था? सिर्फ राजनीति के लिए? और पूछते हैं जो लोग कि रात में आखिर क्यों जला दिया गया, तो भाई क्या करते, उसमें कीड़े पड़ जाने देते? क्या यह हिंदू धर्म है कि लाश में कीड़े पड़ जाने दो राजनीति के लिए? ये सारे सवालों के जवाब आपको पूछने हैं, जानने हैं।